सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं BGMS के बाद बहुत सारे टीम में चेंजेस होने वाला है, जैसे गॉड लाइक सोल CG क्या जी में ही होगा और मोगो का हमें बात आ रहा है। मेजे ने भी कुछ चीज़ें रिवील किया और कुछ न्यूज़ है, आगे बताता हूँ। एंड फिर आर्कलिन जो कि ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की अभी IGL है, वो स्ट्रीम कर रहे थे जहाँ पे वो बात करते हैं जो मैटर हुआ था ग्लोबल ईस्पोर्ट्स गॉड लाइक का, मतलब फैंस का बोल सकते हो, जो हेट दे रहे थे स्लग को, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवील करते हैं कि सिर्फ हेट का बात नहीं है। हेट तो भाई सब प्लेयर्स को मिलता है, उनको भी बहुत सारे हेट मिला ही है, बट यहाँ पे फैमिली पे आ जाता है, बहुत सारे लोग फैमिली पे गालियाँ देते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो रिवील भी नहीं कर सकते हैं और सिंपल बताते हैं कि जिनको लग रहा है कि नॉर्मल हेट है सबको मिलता है, तो वो बताते हैं कि अगर तुम लोगों को मिल जाएगा भाई तुम लोग झेल नहीं पाओगे, मतलब एक्सेस लेवल। और या भाई देखो, सिर्फ हेट का बात नहीं होता है, सिर्फ गाली का बात नहीं होता है, बहुत सारे लोग थ्रेटनिंग देने लगते हैं, फैमिली पे ले जाते हैं। और कल भी सीन हुआ था, फिर उसके बाद कुछ लोग बोलने लगे कि यहाँ पे सारे फैंस ऐसे नहीं होते हैं, और जो जी का एक स्टेटमेंट था कि भाई प्लेयर्स अब टारगेट करेंगे अगर ऐसा रहेगा तो उस चीज़ पे भी आर्कलिन ने रिप्लाई दिया कि वो ऐसा नहीं बोले हैं, IGL वो है, डिसीजन उनका रहेगा। तो वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स का वो स्टेटमेंट था वो शायद हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिए हो, बट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जी के ओनर ने भी यहाँ पे सब कुछ क्लियर किया और जो यहाँ पे गॉडला की तरफ से रिप्लाई आया था, तो सारे फैंस वैसे नहीं होते हैं। और ये सिर्फ गॉडलाइक का ही बात नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे सबका ही बात कर रहा हूँ, सिर्फ गॉडलाइक वाले ही हेट नहीं देते हैं, मतलब जो अपने आप को गॉडलाइक फैंस बोलते हैं, एक्चुअली बोलेगा भाई तो वो सही में गॉडलाइक या किसी का भी फैंस नहीं है, क्योंकि भाई अगर फैंस हो तो इतना हेट, भाई हेट मतलब गालियाँ, फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनका अकाउंट निकाल रहे हैं, भाई ये कोई फैंस थोड़ी कर सकता है। और जो भी है भाई यहाँ पे ये सब मत किया करो। फिर यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि गॉडलाइक प्लेयर के साथ मिले हो, क्या रिलेशन है, मतलब कैसा दोस्ती यारी, तो वो बताते हैं उतना तो नहीं मिले हैं, बस कभी कभी लिफ्ट में मिल जाते हैं और कभी कभी स्लग के साथ मजाक मस्ती होता रहता है। देखो भाई यहाँ पे प्लेयर्स है, लाइन पे जाते हैं, वहाँ पे प्लेयर्स के बीच में कोई भी मैटर या कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, वो लोग भाई मस्त इन्जॉय करते हैं, बस हाँ जो कुछ फैंस हैं जो भाई तुरंत ट्रिगर हो जाते हैं, तो भाई इतना भी मत सीरियसली लिया करो। और सपोर्ट क्या करो यार बंदों को, कुछ फैंस से करना है भाई पूरा और का नाम खराब होता है, कुछ बंदे हैं हर जगह जो फालतू का नाम खराब करते हैं, तो या आप लोग जाकर सपोर्ट कर देना। एंड नेक्स्ट बात करते हैं मेजी के बारे में, सो वो आज स्ट्रीम कर रहे थे जहां पे बात करते हैं चेंजेस के बारे में, तो पहले ये क्लिप देख सकते हो। ग्लोबल स्पोर्ट्स में भी निंजा बॉय बीस्ट आर्कलिन स्लग कुछ खास चेंजेस नहीं है, अगर चेंज हुआ तो जो मैंने सुना है वो तो खैर बहुत ही खतरनाक है, पर विल वेट 11 तारीख का इंतजार करेंगे, 12 तारीख को बात करेंगे इन सब के बारे में। कार्निवल गेमिंग में से चलो एक को तो हटाई देते हैं, नियो गॉब्लिन एस पावर अक्षत, आई डोंट थिंक कि अक्षत वापस आने वाला है या आने वाला है, फिलहाल के लिए रहने देते हैं। एक्टर तो है गॉडलाइक में जॉनथन जलेट मिनो पंग जी गॉड, फिलहाल के लिए कोई चेंजेस नहीं है, एडिशन हो सकता है वो अलग बात है। मोगो डेस्ट्रॉयड एल्डा पीजी जस्टिन शोगन रॉबिन, इसमें एक एडिशन होना है वो तो तय बात है, वो एडिशन तुम लोग को भी पता ही है क्या एडिशन होना है। लिम्रा गोकुल ड्रैगन पोको हेस्पेरोस नहीं चेंज होने वाला है। सोल में मान्या जोकर रॉनी नकुल सौम्या, इसमें एडिशन हो सकता है, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी हो ही सकता है। अगर र्यूमर्स की बात करें, अगर वो र्यूमर्स सही होते हैं तो शायद कार्निवल जी, अगर र्यूमर्स सही होते हैं तो गॉडलाइक मोगो, ये चार टीम है जिसमें सोल, ये पांच टीम है जिसमें जो चेंजेस हैं उसके होने के अनुमान है, बाकी तो जो सेम लाइनअप है वो लाइनअप तो रहेगी रहेगी। अब मेजी भाई ने यहाँ पे पांच टीम का नाम लिया जिसमें उनके अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकता है अगर रूमर्स सही होता है तो। अब सबसे पहले आर्कलिन जब स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे कुछ लोग बोले थे क्या चेंजेस होगा, मेजी ने यहाँ पे कुछ ऐसा बोला तो वो बोले नहीं भाई नहीं होगा चेंजेस, और ग्लोबल स्पोर्ट्स में चेंजेस क्यों होगा भाई, मतलब बोलो BGIS भी अच्छा खेले और अभी तो मावी भाई खेल भी नहीं रहे हैं तब भी यहाँ पे आर्कलिन का चेयरिंग में क्या डोमिनेट कर रही है ग्लोबल स्पोर्ट्स, और वो बताया कि BGMS में फाइनल्स में आईजेलिंग आर्कलिन ही करने वाले, ऐसा उन्होंने बताया। तो ग्लोबल स्पोर्ट्स में मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंजेस होगा। और फिर उसके बाद मोगो स्पोर्ट्स, तो वो बताते हैं कि मोगो स्पोर्ट्स में एक प्लेयर ऐड होने वाला है जो कि हम लोगों को पता है, अब सबको पता है जो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा था वो मायावी भाई ने भी ब्लॉग में बोला था, हिंट मोगो एस पावर, अगर ऐसा होता है तो भाई कार्निवल गेमिंग में भी पक्का चेंजेस होगा, अभी ये फिक्स नहीं है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन रहेगा। मैं मुझे लग रहा है कि BGMS का जो परफॉर्मेंस होगा वो मैटर करेगा, अगर परफॉर्मेंस फिर भी नहीं आता है फाइनल्स में तो मे बी चेंजेस हो जाए, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना, क्योंकि भाई देखो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और कार्निवल गेमिंग में भी अगर यहाँ पे एस पावर जाते हैं तो वो लोग को एक न्यू प्लेयर लेना ही पड़ेगा। अक्षत तो अभी ब्रेक पे है, उनका कुछ फिक्स नहीं है, ओमेगा जा चुके हैं, तो देखते हैं। एंड फिर नेक्स्ट था सोल के बारे में, तो सोल के बारे में वो बताया कि चेंजेस हो सकता है, कोई प्लेयर जाके कोई न्यू प्लेयर आ सकता है। अभी देखो यहाँ पे सोल का बहुत ज़्यादा मैचेस तो हुआ नहीं है BGMS में, और सौम्या उतना अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी प्लेऑफ्स और फाइनल्स बचा हुआ है, सो देखते हैं यहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस रहता है, उसके बाद वो लोग कुछ चेंजेस का डिसीजन लेंगे।
और ये सेम चीज गॉडलाइक के लिए भी हो सकता है, मतलब अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है BGMS में तो फिर कोई चेंजेस नहीं होगा। वैसे कोई जाने तो नहीं वाला है, मिजी ने भाई ने बोला कि वो एक न्यू प्लेयर एडिशन हो सकता है। तो देखो भाई यहाँ पे चांसेस कम है क्योंकि अभी जेली और सिम भी है जो कि अभी तक नहीं खेले है, मतलब शुरू में खेले थे पंक या आईजीलिंग में नहीं खेले है। तो मे बी जो न्यूज आ रहा है कि सिम्प एज अ सिक्स प्लेयर रजिस्टर कर सकते हैं BMPS के लिए, तो अभी देखते हैं भाई यहाँ पे सब मैटर करता है BGMS का परफॉर्मेंस पे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्या हंटर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो नहीं, हंटर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जनवरी तक है ऐसा न्यूज़ आया था। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मतलब भाई मतलब पैसा देके करना चाहे तो कर सकते हैं, बट शायद वैसा नहीं करें क्योंकि भाई सोल का जो प्लेइंग फोर है वो तो भाई ऑब्वियसली अच्छा ही है। खैर कुछ भी हो सकता है कम्युनिटी में। एंड फिर नेक्स्ट बात करते हैं टीम जी के बारे में। सो टीम जी में यहाँ पे चेंजेस मतलब डिसबैंड होने वाला है ये तो आपको पता ही है, लेकिन टीम जी को भी BMPS का इनवाइट मिलेगा। वो लोग आई थिंक वाइल्ड कार्ड तक गए थे, एग्जैक्ट याद नहीं है भाई, 2-3 महीना हो गया, आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में याद हो तो। यस इन्वाइट जाएगा, सो मे बी वो लोग अगर टीम जी से नहीं भी खेलते हैं तो वो लोग को स्लॉट तो जाएगा, कोई न्यू टीम से भी खेल सकते हैं। तो भाई ये कुछ अभी तक चेंजेस का यहाँ पे न्यूज़ है, रूमर्स है, आप लोग क्या लगता है कमेंट में बताना। मिलते अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।